आंटी मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने माहिर को देखा था। हाँ हाँ चलो मान ले। अरे मान लिया, हम सब झूठे हैं, एक तू ही सच्ची इंसान है इस दुनिया में। जाओ जाओ, अब जान छोड़ो मेरी। और सुनो तुम दोनों, आइंदा घर से बाहर जाते हुए अपना कमरा लॉक करके जाना। मैं या आयमा तुम्हारे कमरे की सफाई बिल्कुल नहीं करवाएंगे। खुद करवाना अपने कमरे की सफाई, बल्कि हम तो कदम ही ना रखें तुम्हारे कमरे में। अम्मी बस अब छोड़ देना इस बात को। चलो छोड़ दे। अरे बेटा अगर तुम कहो तो तुम्हारी बीवी की खुशी के लिए हम लोग ये घर ही छोड़ देते हैं। अम्मी क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। तुम्हारा नहीं था मगर तुम्हारी बीवी का यही मकसद है। ये नहीं चाहती कि मैं या तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ रहें इस घर में। आंटी मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मेरे लिए जिस तरह फराज अहम है उसी तरह आप लोग भी अहम हैं। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि हम सब खुशी खुशी एक साथ रहें। अरे नजर आ रही है तुम्हारी कोशिशें, बिल्कुल नजर आ रही है कि तुम क्या चाह रही हो। और जाओ यहाँ मेरे सर पे ना खड़े रहो, खुद बना लूंगी मैं खाना। हाथ पांव है अभी मेरे सलामत। नहीं, रात का खाना हमेशा मैं बनाती हूँ, आज भी मैं ही बनाऊंगी। अच्छा तुमने बनाना तो फिर अपने शौहर के लिए बना लो, मैं तो नहीं खाऊंगी तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना। अम्मी क्या आप मेरी खातिर अपना गुस्सा अपनी नाराजगी खत्म नहीं कर सकती? अरे बेटा तुम्हारी खातिर ही तो सह रहे हैं चोरी के इल्जाम, और क्या करें। ठीक मुझसे गलती हो गई आंटी, मुझे इस तरह बगैर सोचे समझे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। पहले मुझे अपने कमरे में चेक कर लेना चाहिए था। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, सॉरी।